नमस्कार, मैं हूं नीता। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाती हूं ब्रोकली टमाटो सूप। ब्रोकली टमाटो सूप बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, और उसके हाफ अमाउंट में मैंने लिया है ब्रोकली। और इसमें जो भी स्टेम भी हो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे बाद में स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना है तो वो है। और मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। जैसा हम सभी जानते हैं ये बहुत ही हेल्दी है, और चूंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते रहते हैं, तो ये दोनों ही काफ़ी फायदेमंद है। इसमें जो रेड कलर है वो लाइकोपीन होता है, और जो कि सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें पोटेशियम, विटामिन सी, बहुत तरह के विटामिन होते हैं। सेम इस तरह में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारे विटामिन ब्रोकली में भी होते हैं, फाइबर होता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है। और मेनली खासकर जब सर्दी जुकाम हो तो इसका सेवन करें तो आप काफ़ी राहत मिल सकता है। तो ये काफ़ी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। तो इसे चलिए मैं बनाती हूँ। तो मैंने एक कुकर लिया है, मैं उसमें डालती हूँ 1 चम्मच घी। आप घी की जगह पे कुछ भी, जैसे कोई भी स्मेल ना हो वो वाला ऑयल यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल हो या फिर बाकी कोई भी ऑयल, जैसे कि सरसों ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में स्मेल होता है तो आप अवॉइड करें। अब उसमें मैं डालूँगी 1 जीरा, 1 चम्मच जीरा, 1 इलायची, 4-5 दाने काली मिर्च, 2 लौंग। साथ में डालूँगी 2 तेज़पत्ते, थोड़ा सा हींग, बस 1 चुटकी करीब हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 चम्मच प्याज कटा हुआ, और 1/2 चम्मच छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। अब इसमें मैंने जो कट कट करके रखा है ये सारी सब्जियां मैं इसमें डालती हूँ। अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी। अब इसको करते हैं बंद। प्रेशर निकल चुका है, इसको मैं ओपन कर लिया है मैंने। ये कुक हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेती हूँ। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। इसमें डालती हूँ स्वादानुसार नमक, 1 स्पून चीनी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिक्स हर्ब, ये दूध का मलाई है, इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। ये हो गया है। अब इसमें डालते हैं क्रीम। आप इसमें कोई भी क्रीम डाल सकते हैं, मैंने डाला है दूध से निकला हुआ क्रीम। अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। चलिए बन गया है, मैं इसे कटिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।